Hi guys, this is me, Janvi, and welcome back to my channel. आज इतनी हाई एनर्जी नहीं है मेरे अंदर चिल्ला चिल्ला के बोलने की, बट ठीक है. सो जिस वीडियो एंड जिस ब्लॉग का सब लोग बहुत वेट कर रहे थे एंड बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि प्लीज़ यूनिवर्सिटी टूर डाल दो. डीएम भी बहुत ज़्यादा आए कि यूनिवर्सिटी टूर चाहिए, यूनिवर्सिटी देखनी है, कैसी है, क्या है. सबसे पहली बात, मैंने भी अपनी पूरी यूनिवर्सिटी नहीं देखी बिकॉज़ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड मैंने भी टू बी ऑनेस्ट पूरी एक्सप्लोर नहीं करी है. बट आई एम गोइंग देयर अभी आप लोगों को दिखाने यूनिवर्सिटी. तो जितना हो पाएगा आई विल ट्राई टू कवर अप एंड जो जो चीज़ें मुझे बताऊंगी आई विल डेफिनेटली शो टू यू गाइज. लेट्स गो एंड लेट मी शो यू द यूनिवर्सिटी नाउ. Why I'm making this sound, I don't know. नहीं आज नहीं, डिच करूंगी. समय आ गया है विदा लेने का. डिटोर दिस इज एपी बिल्डिंग. यहाँ लेक्चर लगते हैं अंदर बहुत ज्यादा, बहुत सारे लेक्चर हॉल है यहाँ पे. ना एक सीन है, बता कैसे हमें पता लगता है कि हम कौन सी क्लास में जाना है. पहले क्या होता है, सब कुछ फोन पे ही आ जाता है. अरे नहीं, फोन तो ठीक है, वो तीन होते हैं ना, जैसे फर्स्ट इज 28AP01, 28 इज फॉर रूम नंबर, AP इज ऑस्टिन पियर्स बिल्डिंग का नाम, 01 फ्लोर, 01 इज फ्लोर नंबर, फोर्थ फ्लोर, 01 इज वन फ्लोर. हाँ, तो यहाँ पे ऐसे होता है कि तीन आपको, मतलब आपको बोलते हैं कि 28AP01 में आपकी क्लास है, तो आपको ऐसे ढूंढनी होती है कि 28 इज रूम नंबर, देन बिल्डिंग नाम एंड देन फ्लोर. ओके, ये बिजनेस स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है. ये पूरा बिजनेस स्कूल है, स्टैक. ये पूरी बिल्डिंग जो है बिजनेस स्कूल है, ठीक है. और ये भी बिजनेस स्कूल में इंक्लूड ही होता है. मैं भी बिजनेस स्कूल वाली हूँ, तो मेरी क्लासेस का भी इसमें तो जेन्युइनली एक क्लास नहीं लगी आज तक मेरी, जबकि मैं बिजनेस स्कूल की हूँ. इसमें नहीं लगी, मेरी एपी बिल्डिंग में लगती है क्लास, ठीक है. एंड अंदर जाएंगे, अंदर हाइव. बहुत इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, तूने पूरी एक्सप्लोर करी है यूनिवर्सिटी पूरी अभी? बस जाना पड़ेगा पूरी यूनिवर्सिटी. एग्जैक्टली, पैदल नहीं आप पूरी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर सकते, बस लेके के घूमना पड़ेगा. तो जितना भी हो पाएगा कवर आई विल शो यू, बट प्लीज सारा नहीं करवाऊंगी क्योंकि नहीं चल सकती इतना, और अंधेरा भी होने वाला है. यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ये है कि अमेजोन के जो भी पार्सल्स आते हैं वो आपको यहाँ पे मंगवाने, यहाँ पर मिलते हैं आपको. आपको एक कोड देते हैं, वो कोड डालो एंड यू हैव टू पिक अप योर पार्सल फ्रॉम हियर. जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टैग हिल में रह रहे हैं, भाई स्टैग हिल में रहने वालों का सिर्फ एक बेनिफिट है कि यूनिवर्सिटी के अंदर उनको अकोमोडेशन मिल रही है, वरना रूम्स इतने कंजस्टेड हैं. देखे उन्होंने ना स्टैग हिल के, इतने कंजस्टेड रूम है भाई, मैं नहीं रह सकती इतने दबे हुए रूम्स में. तो बहुत ज़्यादा स्टैग हिल के जो है ना रूम्स बहुत छोटे हैं. स्टैग हिल, मिलेनियम हाउस और कौन सा है, जो भी छोटे छोटे ये सर. ये क्या है यार, ये भी नहीं देखा आज तो मैंने. सेंटर फॉर विजन स्पीच एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, जो भी है कुछ बिल्डिंग है जो कि मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की है. भाई बहुत सारी बिल्डिंग है, पूरी यूनिवर्सिटी तो नहीं घुमा सकती हूँ मैं. दिस इज सरे स्पेस सेंटर. ये पूरा स्पेस वालों के लिए, इफ यू आर डूइंग दिस स्पेस वाला कोर्स देन दिस बिल्डिंग इज फॉर यू गाइज. यार ये तो मैंने आज पहली बार देखा है, लाइटनिंग हो रखी है, देखियो. वाह वाह वाह, गुड गुड गुड. ये ब्रिज है, इस पे हम चले तो है नहीं आज तक. अरे हम भी जा सकते हैं पागल. हाई विदर से ही आएगा. हाइब्रिड भी दिखाते हैं. दिस इज इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर. ये वो इंजीनियरिंग वालों की कोई बिल्डिंग है भाई, पता नहीं अब क्या यहाँ पर है, बट ठीक है. इस्लामिक प्रेयर रूम भी है यहाँ पे, ठीक है. यार ये बहुत सारा कुछ कुछ है. ये सारे बिल्डिंग्स के नाम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये सब यहाँ पे होता है भाई. मेरे लगते हैं इसमें लेक्चर काफ़ी, लेक्चर थिएटर में. ये है लेक्चर थिएटर, यहाँ पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स लगते हैं लेक्चर थिएटर में. तो यहाँ का भी ये है LTD
LTA मतलब लेक्चर थिएटर ए बी सी डी, यहाँ से राइट हो गया लाइब्रेरी आ जाएगी। यार ये बिल्डिंग्स बहुत सारी जो भी है ना, मुझे जेन्युइनली नहीं पता ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, ये खुद ही पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे लिखे होते हैं बिल्डिंग के नाम, तो जाओ और पढ़ो, ऐसा सीन है। यहाँ से लेफ्ट होके लाइब्रेरी है, ठीक है आ जा ऑटोमेटिक भाई कुछ। और यहाँ पे सिंपल फ्रेश है, यहाँ से खाने का बहुत सारा सामान मिल सकता है आपको। हाँ बोला तो खाने का, ऊपर जाके लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी बहुत सुंदर है यार, चार फ्लोर की है। मैं नहीं जाऊँगी अभी क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है, तो मैं जा नहीं सकती अंदर अभी। मैं बोल रही हूँ सिंपल फ्रेश पे खाना बहुत सारा मिलता है, सिंपल फ्रेश पे आपको ये सब मिलेगा, ग्रोसरीज, बियर, वाइन, फ्री फ्रॉम फूड, और हर जगह सेटिंग एरियाज भी हैं, बैठो खाओ मस्त इन्जॉय करो। ये है स्टैग हिल की अकोमोडेशन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, ये स्टैग हिल है और यहाँ पर ये बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी, यहाँ लेक्चर वेक्चर लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी रह जाता है इन लोगों के लिए, यहाँ से उतरो और यहाँ चले जाओ ख़त्म, और हमें देखो बस बस करके इतने दूर से आना पड़ता है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे है हाइव, आई होप वो बंद ना हुआ हो, अगर बंद हो गया होगा तो कांट हेल्प, स्टूडेंट यूनियन, ओखा हाउस, ये सब भी यहाँ है। हाँ ये लेक्चर थिएटर बिल्डिंग का बैक साइड है, यहाँ पे वेंडिंग मशीन है सब जगह, तो आप खा आ सकते हो आराम से, हैव एनी थिंग यू वॉन्ट फ्रॉम हेयर। ये है हाइव, सबसे बढ़िया पार्ट है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको हाइव में मिलेगा। अभी हैलोवीन की वो लग रही है, प्रिपरेशन हो रही है ना, मकड़ी के जाले वाले लगा दिए मस्त इन्होंने। और सबसे कूलेस्ट जगह यहाँ की है नेस्ट, वो रहा सामने है ना, नहीं गया तू अभी, देखो मैं दिखाऊंगी, दिस इज हाइव, यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये हॉगवर्ट्स के दरवाजे होते हैं ना, ये वाला, ये इतना फनी लगता है, यहाँ प्रिपरेशन चल रही है उसकी, किसकी, हैलोवीन की, हैलोवीन की, चलो चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे डेस्क है, आप आके बैठो बात कर लो मस्त आराम से, बैठ बैठ भी सकते हैं यहाँ पे, फुल अभी हैलोवीन प्रिपरेशन चल रही है भाई, मकड़ी के जालों से डर नहीं लगता तेरे को? छः बजे बंद हो जाता है, 11:30 बजे बंद का टाइम है। हैं? अरे भाई टाइम वाइम दिखाओ, ये देख लो भाई, मुझे किसी ने बोला 6 बजे बंद होता है, मैंने कहा अच्छा भाई सही है, अभी भी अंदर उसे मैंने आना मॉल जमा हुआ पूरा, 6 बजे बंद होने का देखो यार, अभी तैयारी कर रहे हैं ना उसकी हैलोवीन की, इसलिए भाई सबसे कूलेस्ट जगह लगती है मुझे। खुल जाओ बेटा भाई, यहाँ पर अपना बैठो और आराम करो, इतनी मस्त एरिया है, मतलब फुल बैठ के आराम, ये है यहाँ पर रेस्ट करो, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग बी काइंड, दिस इज द एरिया, यहाँ पे आराम से सो सकते हो भाई। उनको दिखा दे बोल, ये देख लो, यू आर इन भाई, बहुत बढ़िया जगह लगती है मुझे भाई, यहाँ पे बैठो आराम से। ये क्या भाई, मुझे नहीं पता क्या है, आराम से मीटिंग हो रही है तो धीरे बोलना पड़ रहा है, जस्ट ब्रीथ। ये इंटरव्यू स्पेस है यार, एक और कमरा था जहाँ पे ना, एक और कमरा है वो कोने में, वहाँ पे वो भी बंद है, वहाँ पे तो बिल्कुल लिटरल गद्दे बिछे हैं, लेट जाओ सो जाओ। ये हो गया पूरा हाइव, यहाँ से जाके पीछे अकोमोडेशन है भाई, ये है पूरी यूनिवर्सिटी, अंधेरा हो गया देख लो जितनी दिख रही है, पीछे जाके यहाँ से डांस स्टूडियो है, वो बंद होगा अभी। यहाँ का जो मेन वो है वो स्टैगल है, सबसे मतलब मेन रिसेप्शन है स्टैगल पे, हर ब्लॉक का अलग अलग रिसेप्शन है, जैसे मैं मीना पार्क में रहती हूँ तो मीना पार्क का अलग रिसेप्शन है, मतलब हर जगह का अलग है, बट यहाँ के लिए आई गेस आई एम नॉट श्योर, जो ये मिलेनियम हाउस और ये वो है सबके कॉमन स्टैगल ही है सेनेट हाउस, अब याद इससे मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि मैं भी ज़्यादा घूमी हूँ, तो यहाँ पर ना एक लेक है, आप लेक साइड बैठ सकते हो जाके आराम से, यहाँ आगे जाके अकोमोडेशन एंड ऑल है सब, तो आप लेक साइड बैठ सकते हो जाके, एंड लेक साइड कैफ़े भी है, एक हिल्ड आउट कैफे, हाइड आउट कैफे है सॉरी,
एक लेक साइड है, एक हाइड आउट है ना भाई। लेक साइड कैफे है, लेक साइड रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो दोनों ही लेक के साइड में नहीं है, लेक साइड साइड है, थोड़ा दूर जाके, ठीक है। एक हिल साइड रेस्टोरेंट अलग है, सब कुछ हिल साइड नहीं है, हिल साइड भी है और हाइड आउट भी है। हिल साइड भी है, हाइड आउट, हाइड आउट वहां पे है, मिलेनियम हाउस के पास नहीं, टाइफन कोर्ट के पास। ये यहाँ पर जाके लेके नीचे, तो आप बैठ सकते हो आराम से, चिल विल करो। तो मीना पार्क से सबसे ज़्यादा पास, मतलब जो सारे स्पोर्ट्स पार्क है वो सबसे ज़्यादा पास पड़ता है मीना पार्क से। टेस्को जो है, जो ग्रॉसरी शॉप है बड़ा वाला, वो सबसे ज़्यादा पास पड़ता है मीना पार्क से, है ना। तो मतलब मीना पार्क, मैनर पार्क में ही है। हाँ, मीना पार्क में ही है, तो मतलब कि मीना पार्क इज़ बेस्ट। अगर आपको अकोमोडेशन लेनी है तो आप मीना पार्क में लो। यहाँ बेंच वेंच बने हुए, आराम से बैठो, बहुत स्केरी बेंच है, हेलोवीन में काम आएंगे इनके। वहाँ पे सारे बेंचेस लगाए हुए वो बीच में, तो आप आराम से बैठ सकते हो। लेक कहाँ गई बोरी, चलो नीचे आओ। गिलफर्ड सेफ है काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगा था ना कि हर कोई जगह ऐसे सेफ नहीं होती बहुत ज़्यादा, बट गिलफर्ड काफ़ी सेफ है। ये टाइफर्ड कोड कोर्ट की वो है अकोमोडेशन। थोड़ा सा रात में भी शूट हुआ था, अब दिन में भी शूट करेंगे, फ़ायदा। पर दिन रात को भी आया था मेरे साथ, हेल्प मेरी कर रहा है भाई। सबसे बढ़िया जगह, मतलब सबसे रिलैक्सिंग और सबसे बढ़िया शांत जगह है ये यहाँ की, विच इज लेक। मैंने रात का सीन भी दिखाया है, बट दिन में तो अजब ही मज़ा है यहाँ पे आने में। दिस इज लेक का बार, जो कि सिर्फ ओकेजन्स पे खुलता है। मैंने आज तक नहीं खुला हुआ देखा इसे, क्यों पता नहीं, क्योंकि मैं कभी ओकेजन पे आई नहीं शायद यहाँ। दिस इज़ द सिटिंग एरिया, आप यहाँ पे आराम से बैठो बैठो चल करो, वो लेक सामने, एंड वेदर एकदम बढ़िया रहता है यहाँ। यहाँ पे सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है ना यहाँ पे, वो यह कि आपको धूप मिलती है यहाँ पर, ठीक है। लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं शांति में। अगर आपको ये सब पसंद है ना, पहाड़ एंड ऑल और ग्रीनरी नेचर ये सब, तो आप गिलफर्ड में तो मज़े करोगे खूब। गिलफर्ड लोग गिलफर्ड एक्सप्लोर नहीं करते, गिलफर्ड आके सिर्फ उनको पड़ा रहता है लंदन चले जाएं हम, बर्मिंघम चले जाएं हम, जैसे कि भाई लंदन से आधा घंटा दूर रह रहा हूँ ना मैं, तो मैं लंदन जाऊँगा। ठीक है लंदन जाओ, बट तूने गिलफर्ड एक्सप्लोर करा ही नहीं है अभी। गिलफर्ड जिस दिन तो एक्सप्लोर कर लेगा ना, एक्चुअल में भाई प्यार हो जाएगा, बहुत सुंदर है गिलफर्ड। रात को और प्यारा लगता है गिलफर्ड, कसम से। अयो आई मीन आई स्लीपर्स, येलो स्लीपर्स, शूटिंग व्लॉग फॉर यू गाइस। ओके बीबीक्यूज, हम यहाँ पे रात को अपना, यहाँ पे रात को हम पार्टी वार्टी भी कर सकते हैं, देखो पता है मैं बात। दिस इज़ लेक, वहाँ पे डक्स हैं, मैं दिखाती हूँ जाके, यहाँ पे मस्त है। दिस इज़ अ ब्रिज, क्यूट ब्रिज यार। ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है सब कुछ, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी का कैंपस इस बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ जहाँ आके ना कभी, कि पूरी यूनिवर्सिटी जिस दिन एक्सप्लोर कर लो ना, उस दिन हो जाएगा कि यार सैटिस्फाइड। इतनी ज़्यादा प्यारी जगह है यार, दिस पानी का साउंड एंड ऑल, इतना ऐसा लगता है कि यार बस सैटिस्फाई हो गए अब आप। सी पे है डकलीज, जाऊँ मैं पास, कुछ कहेंगे तो नहीं, सी क्यूट डक्स, वहाँ पे बड़ी डक्स भी है, मामा डक, मम्मा डक, डैडा डक, वो तो नहीं देखा, पेपा पिग। हाँ, देखा। अब ये डक्स तो नहीं है, बट जो भी है है। फर्स्ट ये सामने बिल्डिंग, आई डोंट नो किस चीज़ की है, ये स्टाइगल रिसेप्शन है वहाँ पे सामने, स्टाइगल इज़ द मेन रिसेप्शन, मैंने रात वाले उसमें दिखाया है। भाई रेनबो, वाओ की प्यारी सी लग रही है रेनबो। दिस इज़ लेक साइड कैफे, ये यहाँ पे यू कैन सिट, अंदर सिटिंग है, कॉफ़ी मशीन वगैरह लगी हुई है वहाँ पे, बट यहाँ पर अभी बंद है ये, क्योंकि दैट्स टैग, अभी बंद है क्योंकि आज सैटरडे आई गेस, यूनिवर्सिटी के अंदर की चीज़ें भी सैटरडे बंद होती हैं। एंड दैट्स एपी बिल्डिंग दिखाई थी मैंने। वेलकम टू सर स्पोर्ट्स पार्क गाइस, दिस इज़ द होल स्पोर्ट्स पार्क, और यहाँ का मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। As always, मैं उस दिन भी ब्लॉग एंड करना भूल गई, बट नेवर माइंड, होता रहता है।
ओके सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू गाइज एवरी थिंग एंड बट स्टिल मैं सारा कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ बट यू हैव टू कम हियर एंड यू हैव टू एक्सप्लोर बाई योर सेल्फ स्टार्टिंग अ फर्स्ट मंथ आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होकर घूमना पड़ेगा कि यू आर आस्किंग एनी थिंग फ्रॉम एनी वन एंड थोड़ा सा इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको सबके साथ थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर नहीं चलेगा यहाँ पर हल्का हल्का जो होता है ना बट स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ तो आपको ऐसा रहना पड़ेगा कंपल्सरी तो नहीं बट नेसेसरी है ये चीज़ ठीक है आपके खुद के लिए नेसेसरी है एंड देन आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू गाइस एवरीथिंग बाकी यूनिवर्सिटी का जब ऐप मिलेगा उसमें आपको कैंपस मैप करके एक होता है कैंपस मैप में आप ढूंढ सकते हो चीज़ें और डायरेक्शंस मिल जाते हैं आपको कहाँ जाना कैसे जाना है सब कुछ आराम से हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है टेंशन वाली कोई बात नहीं है बाकी अगर आपको स्टिल कोई अकोमोडेशन से रिलेटेड कुछ भी है क्वेश्चन तो मैं अपने अकोमोडेशन वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ आप वो जाके देखना एंड अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है या कुछ बताया मतलब आपको कुछ और पूछना है किसी और चीज़ से रिलेटेड देन फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप कमेंट में करो बट अगर आपको कुछ ऐसे पर्सनल में पूछना है तो वो बात अलग है बट इफ़ यू आर आस्किंग अ जनरल क्वेश्चन देन प्लीज़ कॉमेंट में करो ताकि सब लोगों को आंसर मिल जाए उसका ऑल्सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग एंड आई होप यू गाइज लाइक दैट एंड Please don't forget to subscribe to my channel and see you soon in the university, okay? Bye! Tab tak ke liye khana khao, aish karo, ghoomo phiro.